नमस्कार, सदा सफल हनुमान। दोस्तों, बाइबल की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर तुलसीदास जी ने यही वाक्य लिखा होता तो वो लिखते, आस्था से पहाड़ उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के सबसे प्रिय पात्र हनुमान ने पहाड़ उठाया था और आस्था की ताकत के कारण ही उठाया था। यहां आप आस्था को दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो हनुमान जी की आस्था अपने राम काज के प्रति है, राम के प्रति है। दूसरी जो उनकी आस्था है वो अपने प्रति है, जिसको आप आत्मशक्ति कह सकते हैं, आत्मविश्वास कह सकते हैं, इच्छा शक्ति कह सकते हैं, विल पावर कह सकते हैं। और इसकी झलक आपको रामचरितमानस में जगह जगह पर मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको वही ये बात दिखाई देती है जब जामवंत हनुमान से कहते हैं कि तुम्हें सीता का पता लगाने जाना है। उस समय वे अपने मित्रों से कहते हैं कि तबलग तुम परिखहुं मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, कि जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं दुख सहकर कंद मूल खाकर मेरी प्रतीक्षा करो। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें इस बात का विश्वास था कि मैं लौट कर आऊंगा और पता लगा कर आऊंगा। इससे ये बात झलकती है। दूसरी जगह पर देखिए, वो कहते हैं कि हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी, कि ये काम पूरा होगा इसका मुझे विशेष हर्ष है और मुझे खुशी भी हो रही है। मतलब उनको भरोसा था कि यह काम होगा। सुरसा जब रास्ता रोकने की कोशिश करती है तब भी हनुमान जी यही कहते हैं कि मुझे सीता का पता लगा करके आने दो और इसका संदेशा पहुंचा जाने दो, इसके बाद तुमको जो करना हो करो। तो वहां भी उनको लगता है कि ऐसा मैं कर सकूंगा। सीता जी के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तब भी सीता जी से वो यही कहते हैं कि मैं तो माता अभी आपको यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन प्रभु आयसी नहीं राम दोहाई, लेकिन मुझे भगवान श्री राम ने इस बात की अनुमति नहीं दी है। मतलब आप देखिए कि इन पंक्तियों में भले ही सीधी सीधी आस्था की बात ना आ रही हो, आत्मशक्ति की बात नहीं आ रही हो, लेकिन हर जगह आप देखेंगे कि हनुमान जी के अंदर पूरा आत्मविश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूं इसे मैं कर लूंगा। और यह जो आत्मविश्वास है दोस्तों, आस्था के कारण है। आस्था एक ऐसी अद्भुत चीज होती है, एक अद्भुत गुण होता है जो हमारे अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को बिल्कुल विमुक्त कर देता है। जब हम आस्थाओं से आप्लावित रहते हैं, आस्थाओं से भीगे रहते हैं, तब सही मायने में हमारी जो शक्ति सामने आती है हमें यकीन नहीं हो पाता कि सचमुच क्या यह हमारी ही शक्ति है, क्योंकि आस्था केवल रचनात्मक ऊर्जा को उन्मुक्त ही नहीं करती बल्कि नई ऊर्जाओं को बाहर से अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेती है। क्योंकि जब आप आस्था से भरे होते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, आपके आसपास की जितनी भी रचनात्मक शक्तियां और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ने लगती है। आस्था ही वह गुण होता है मित्रों जो हमें जोखिम के लिए आमंत्रित करता है। मतलब हम अगर कोई जोखिम भरा काम लेना चाहते हैं तो वह बिना आस्था के संभव नहीं है। और सच पूछिए तो अगर हम जोखिम का काम नहीं लेते हैं तो फिर आस्था का भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आस्था बड़े कामों के लिए ही प्रेरित करती है। यह इतना बड़ा गुण है, इतनी बड़ी शक्ति है जिसके बारे में आप तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने अंदर आस्था नामक इस तत्व को महसूस नहीं करते हैं। जगह जगह हनुमान जी इसे महसूस करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और आप देखिए कि कितने बड़े बड़े कामों को ये अंजाम देते हैं। हनुमान जी में जो आप एक रचनात्मक विस्फोट पाते हैं, जो एक भावनात्मक प्रबलता पाते हैं, जो एक अतिरिक्त वेग पाते हैं, जोखिम लेने का जो अद्भुत साहस पाते हैं, कुछ भी कर डालने का जो एक उद्दाम आवेश पाते हैं, सच पूछिए तो उन सभी के पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है वह आस्था की ही शक्ति होती है। इसी आस्था के कारण उन्होंने पहाड़ उठाया था। इसीलिए मैंने कहा कि अगर तुलसीदास जी ने बाइबल के इस वाक्य को लिखा होता तो उन्होंने लिखा होता, आस्था से
पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। हम और आप कम से कम ये लिख सकते हैं कि आस्था से कुछ भी किया जा सकता है। तो मित्रों, आज बस इतना ही।